咱这儿提的天心也不太一起说干嘛这个不太गुरु जी सिंपल है एम फोर तो मंकी मंकी यानी बंदर। वाह बेटा धरती दकेल सिंह मजो आयो आज पहली बार तू जिंदगी में थारी मैं सही जवाब दियो ये बता बेटा सिमू शेर मार इको खाने में तलब हुआ है ओ जा गुरु जी अलग तो एम फोर मंकी है बंदर पर आ उल्टी क्यों हुई अब हमारे समझ के बारे हैं आ मंकी है ना जिकी उल्टी को नहीं है ए डब्लू डब्लू ए टी सी एच वाचन नहीं गड़ी हुई आकर नीचे नीचे पड़ जा चल प्रकाश पैदल ये बता एक बंड है एक किलो रुई है और एक बंड है एक किलो लोह है तो बता बेटा ज्यादा वजन की मुसी ओ गुरु जी वो तो सपा सरल सवाल है ज्यादा वजन तो मतलब है लो कमाई नहीं उसी और काम हुई रुई में तो हुए को नहीं बेटा ज्यादा वजन लो में क्या उसी एक बंड है एक किलो लो है एक बंड है एक किलो रुई है तो ज्यादा वजन क्या उसी लो गुरु जी मन थे तो मारे ना एक किलो रुई की टोको और मत ढगे एक किलो लो की टोको जन ध्यान पड़े मतलब ज्यादा वजन का कमाए ने हुए ठोक भाई तो तल्ला ले मन ठोक ही है गुरु जी ने ठोक लियो तो क्या उपास चल चिंतू चिता मणि तू एक काम कर एक को पाउडर सुना दे लागे बेचारो गुंगो है नीचे बैठ जा बेटा नीचे बैठ जा थैंक यू सर मन ने तुम मन बावड़ा बनाओ गुंगा की एक्टिंग कर रहे हैं मैं अब इंग्लिश को पीठ बढ़ा रही हूं अब बताओ था मैं कि सब्जेक्ट कहीं है और ऑब्जेक्ट कहीं है राम सीता को पानी पिलाएगा चल मोहन मार कंडे इके माय ने बताए सीता कहीं है गुरु जी इस सेंटेंस में तो मन ये लग रहा है कि सीता तीसी है प्यासी है इस वास्ते राम पानी पिला रही है और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में तो मन क्यों मालूम को नहीं पर तो ही मन ध्यान है कि राम सीता ने पानी पिला रही क्योंकि वह तीसी है एक मोहन जी को सीता है ना वह ऑब्जेक्ट है तीसी गाल दे चिका खेलिया तीसा तक एक चीको तो गले को नीर है सिंबू शेर मार बेटा ये बता तू काल स्कूल क्यों नहीं हो सर जी काल मगर अगर पूजा ही मुनाली पूजा ही रे अजी मार के बाबू मतलब है आरती बात पहली कहीं किया पूजा ही अब आरती मन बावड़ो समझ में लेगी तू सर जी मार के बाबू मतलब ये को नहीं मार के बाबू मतलब ये है अर्चना ही अर्चना पहली पूजा पच आरती अब अर्चना मन सप्पा बेवकूफ समझ में ले तू है अजी सर जी होम ओ होम हवन हवन हाँ ये कैन जावड़ है बताओ सही बता कौन से कैन नीचे पड़ जा चल चिंटू चिता मणि मैं मारी तरफ हूँ आज कोई सवाल पूछ लो कौन चाहूँ तू आज थारी तरफ हूँ क्यों सुना दे जाए गुरुजी मैं आज थाने एक शायरी सुना बताऊँ आज मारो रोमांटिक मूड है फ्रेश मूड है एक शायरी सुना दे चल बेटा आज कोई शायरी सुना दे अर्ज किया है एग्जाम में हम उन्हें मुड़ मुड़ के देखते रहे और वो हमें वाह 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 एग्जाम में हम उन्हें मुड़ मुड़ के देखते रहे और वो हमें वाह 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 वाह
फरमाइए ना, उन्हें कुछ आता था ना हमें। चल धरती धकेल सिंह, मैं तो नाज एक जोड़ कर लू, बातन करनी है, आजा फटाफट आजा। हम नहीं सुधरे, तो बच्चों मैं थाने बहुत ही पढ़ाया और वास्ते एक अपने निरीक्षण करवा वास्ते अधिकारी आ रहा है, अल्डाट सर आ रहा है, वास्ते निरीक्षण करेला अभी के मान ने बात गम्मत गमा दीजिए थे, मैंने बहुत पढ़ा भाई कोशिश। सर आओ सर, निरीक्षण कर लो, अपना बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। तो देखो अल्डाट सर अपना आ गया निरीक्षण करने वास्ते। सर जी अपन बहुत सगड़ा स्टूडेंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, कोई मतलब स्टूडेंट ने कोई भी सवाल पूछ लियो तो फटाफट उत्तर आ जैसी मतलब सर पूछ सको चाहो तो कोई ना भी। हाँ भाई सब तैयार हो? हाँ सर। ले लू ना को टेस्ट? हाँ सर। देखे मार साहब तन कता चोका पटावे बे लागत के मन कासा तुषार दिखो। अब समूह मन भाया दिख बाग मायने ओ छोरो ज्यादा ही होशियार लागे, और मन लागे कि काफी इंटेलिजेंट भी है क्योंकि वो ड्रेस के साथ चश्मो ऊपर टांग वाले। आजा बेटा आजा, जल्दी आजा। हाँ भाई तारो नाम कहीं है? मैडम सर मोहन मारकंडे है। अच्छा अच्छा तू कता ना मारकंडे हो? मारकंडे तो कता नहीं को नहीं, दादा परदादार बे आ बे मारकंडे गणाई राख दिया तो भी शाम हुआ है। बढ़िया बढ़िया, ले लियो दारो टेस्ट है? ले लियो सर। लेग भाई लिख आप पकड़ चौक। काय लिखू सर? तू लिख बोर्ड पर 55 किए लिख कर बता। गुरुजी 55 किए लिख क्या करे है? पहले पांच लिख बाद में पांच पे रहा, पांच पे लिख दे। हाँ मार साहब लिख तू बोर्ड पर 5 पे। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे। हाँ भाई और 55 दिखे तने कोनी दिखे? मारा हिसाब हूँ तो 55 कोनी, अभी कमान 1/5 और कम है। अब वो पांचों तू कटिन चिपका आई और बताऊ तन मैं पांचों गुरु जी उन लिखू की बंड लिखू? तू चाहे की बंड लिख दे, चाहे कान अठिनू पकड़, चाहे कान अठिनू पकड़, अरे पकड़ी जी तो कहीं कान तू लिख दे तार मन करे जटे 55 5। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या।